Hello everyone, welcome back to the channel. This is Soumya. I hope you are safe and doing great. So guys, मैं आपको थोड़ा सा टूर दे रही हूँ अपने किचन का कि मेरा किचन अभी कैसा लग रहा है. ये एक नॉन मॉड्यूलर किचन है और ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट वन था किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग का, वो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ. नहीं देखा तो वो भी आप ज़रूर जाके देखिएगा. एंड अभी हम इसका पार्ट टू शेयर करने वाले हैं. सो यहाँ पे आपके सामने जो यहाँ पे एक अलमीरा रखी हुई थी, उसका सबसे पहले हमने मेकओवर किया है. तो इसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा कि कैसे हमने लोहे की अलमारी को मेकओवर दिया है. तो यहाँ पे जो अलमारी है वो हमारी तैयार हो गई है. इसके कुछ स्क्रू वगैरह थे जिसे हम फिट कर रहे हैं. एंड इसे अभी हम नीचे लेके चलते हैं. तो इस मेरे पास ना ये इस तरीके के ये स्टैंड है, तो इसमें हम लोग पानी वगैरह रखते हैं. तो ये एक्स्ट्रा वाला है, बाकी जिन पे पानी है उसे भी मुझे पेंट करना है. एंड ये है सैंड पेपर, इससे मैं थोड़ा सा इसे स्क्रब करूँगी. उसके बाद सेम पेंट मैंने इस पर भी करने वाली हूँ. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, तो उन्हें भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. मतलब इसे हमें हटाना नहीं है, इसी को हम नया बना सकते हैं. तो ये कुछ तीन स्टैंड थे मेरे घर पे जिन पे हम पानी रखते थे. तो इसे मैंने अच्छे से, लोहे के स्टैंड है तो इसे अच्छे से मैंने सैंड पेपर से इस तरीके से रब किया है. तो जितना जो गंदगी थी जो भी था वो निकल गया है. इसके ऊपर से देन हम पेंट करेंगे तो इससे काफ़ी सुंदर हो जाएंगे. इसके बाद हम आते हैं किचन के दूसरे वाले एरिया पे, जहाँ पे आप ये देखोगे एक टेबल रखी हुई है, उस पर माइक्रोवेव है और नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ है. साइड में इसके सिलेंडर रखा हुआ है, गैस सिलेंडर. तो इसे भी हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसका. तो इसका माइक्रोवेव जो था ना वो हमने अभी साइड में रख दिया है. टेबल को अच्छे से खाली कर लिया है, देन इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे. गाइस आप देखोगे इसकी जो कॉर्नर्स है ना, इसकी जो प्लाई थी वो निकल रही थी, सनमाई का जो भी है तो ये निकल रहा था. इसके ऊपर से सबसे पहले हमने ये टेप लगा दिया क्योंकि अभी हमें इसे चेंज नहीं करना था. तो इसके ऊपर हमने अच्छे से टेप लगाया है चारों साइड पे. एंड इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस पर कौन सा वाला वॉलपेपर जाएगा. तो एक हमारे पास ये वाला रखा हुआ है, मतलब टुकड़ा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, और एक ये वाला है. तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम ये वाला इस पर लगाते हैं क्योंकि हमें ऊपर ही लगाना है. नीचे के लिए अभी हमारे पास ये है नहीं और नीचे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है. तो सबसे ऊपर हमें ये लगाना है, इसलिए हम ये वाला वॉलपेपर यहाँ पे अच्छे से लगा रहे हैं. सो गाइस इसे लगाने के लिए ना सबसे पहले जिस पे भी आप इसे लगाते हो उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है. तो मैं इस टेबल को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ एक बार. एंड इसके बाद पीछे एक स्टिकर होता है, उसे हमें निकालना होता है. एंड देन इसे अच्छे से इसे स्टिक करना होता है, थोड़ा थोड़ा करके ही रिमूव करना है एंड स्टिक करते जाना है. ये हमने जो वॉलपेपर है ये लोकल मार्केट से लिया था और इसे हम लेके आए थे ड्रेसिंग टेबल पे लगाने के लिए. तो जो मम्मी की ड्रेसिंग टेबल है ना वो बहुत पुरानी है, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, तो और उसे हमें अलग नहीं करना था. तो फिर हमने उसका मेकओवर किया था. एंड उसका कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, ऐसी शॉर्ट वीडियो मैं डाला था, बट वो बहुत सुंदर बन गई थी. एंड मिरर पे भी मैंने थोड़ी सी लेस वगैरह लगाई हुई थी, किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एंड यहाँ पे हम इसे अच्छे से लगा रहे हैं. एंड पीछे से जितना रिमूव करते जाएंगे ना तो अच्छे से कपड़े से दबा के अच्छे से स्टिक करते जाना है. ये देखो गाइस हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट हो गई है. हमने ऊपर वॉलपेपर लगा दिया है, बाकी जो नीचे का है ना उस पर मैंने अच्छे से पेंट कर दिया है. सेम वही पेंट है जो मैंने उस वाली अलमारी पे किया था. एंड अभी जो भी नीचे छप गया है ना, चीटे वगैरह उचटे हैं, उसे हम बाद में रिमूव कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे. एंड इस पर ना जब भी आपका भी वॉलपेपर लगाओ ना तो उस पर एक बार ड्रायर ज़रूर चला दिया करो, उससे बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं.
इसके बाद हम क्या चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे रखा हुआ है हमारा फ्रिज, जिसकी वजह से ना सारा किचन जो है वो कवर हो जाता है, एकदम घुसा घुसा जैसे लगता है अंदर अंदर को। तो ये वाला जो फ्रिज है हमने सोचा है कि इसे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इन वहाँ से वो गैस टंकी निकाल लेंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस हो जाएगा। तो बस अभी हम इसे वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। सो गाइस, हमने जो है फ्रिज को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है एंड हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था वहाँ पे फ्रिज आएगा या नहीं, बट फाइनली वहाँ पे फ्रिज आ गया और या अच्छा भी लगेगा। चलिए अब जो जो हमने तैयार कर लिया है ना उसे हम ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाली अलमेरा है जो, इसे हमने तैयार कर लिया है एंड इसे हम लेके आ गए अपने किचन में एंड इसे जल्दी से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो इसमें हम अपना सारा वो सामान रखते हैं जो हमें डेली बेसिस पे यूज़ होता है, क्योंकि हमारा किचन जो है वो नॉन मॉड्यूलर है तो हम सब कुछ इसी में रखते हैं। ये देखो गाइस, हमने जो अपना रैक है उसे अच्छे से जमा लिया है, जो सामान हमें जहाँ रखा था हमने वैसे ही रखा है एंड इसे शिफ्ट कर दिए साइड में जहाँ पे ये पहले था। देन गाइस, ये वाली जो क्लिप है ना ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की एंड यहाँ पे हम जो है सेल्फ जो हमारा है किचन में उसे क्लीन करने वाले, साफ करने वाले, आप दिवाली की सफाई समझ सकते हो। तो ये हमारा सेल्फ, इस पे देखो कितना सारा सामान रखा हुआ है, तो उसका सारा सामान हमने निकाला, देन वहाँ पे साफ़ किया, जो नहीं चाहिए था उसे अलग किया एंड जो सामान मतलब सामने रखने का नहीं है उसे हटा के कहीं पे और रखा एंड अभी हमने इस तरीके से स्पेस बना लिया है ऊपर और भी वर्नियर रखने के लिए और अच्छे से इसे जमा दिया है। अब हम दूसरा काम करते हैं। ये जो टेबल हमने तैयार कर ली थी ना इसे हम नीचे ले आए हैं, ऊपर से इस पे यहाँ रख लिया है क्योंकि अब इसे हम यहीं पे रखने वाले हैं। फ्रिज हमने रख दिया है साइड में और इसे ना मैं बाद में क्लीन कर लूँगी, नीचे जो भी पेंट के निशान वगैरह हैं तो इसे बाद में कर लूँगी साफ़। अभी इस पे मैं क्या ड्रायर लेके आई हूँ, तो अच्छे से ड्रायर को चालू करके से ना थोड़ा सा इसमें ड्रायर चला दूँगी तो अच्छे से ये स्टिक हो जाएगा। सो गाइस, आप इतना एरिया देख सकते हो, अभी बहुत ही ज़्यादा क्लीन लग रहा है और अच्छा लग रहा है। तो अभी आती है प्लेटफॉर्म की बारी, तो आप देख लो अभी ये कैसा लग रहा है काउंटर टॉप जो है हमारा किचन का, और इसे अभी हमको सही करना है, ऑर्गेनाइज करना है, देखते इसमें क्या क्या हो सकता है। सो गाइस, सबसे पहले ना काउंटर टॉप को अच्छे से खाली कर लेना है, जितना भी सामान था मैंने सब कुछ हटा दिया है और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वॉलपेपर जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया है। और ये वाले वॉलपेपर ना मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने पहले ड्रेसिंग टेबल पे एक बार लगाया था ये वाला, उसके बाद अभी हमने एक बार फिर चेंज करके दूसरा भी लगाया है, काफ़ी टाइम के लिए ये अच्छा रहता है। तो आप भी किसी चीज़ का मेकओवर करना चाहते हो तो कर सकते हो। काउंटर टॉप पे थोड़ा सा रिस्की रहता है क्योंकि ऑब्वियसली हम पानी वगैरह यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो कॉर्नर्स पे डर रहता है, बाकी उस पर चाय वगैरह कुछ भी गिर जाती है, तो आप उसे क्लीन कर सकते हो। मैं अभी एक एग्जांपल भी आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे हमने ना जिस हिसाब से यहाँ पे टाइल्स वगैरह थे, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म था उस हिसाब से इसको थोड़ा सा साइड में कट कर लिया है एंड इसे हम थोड़ा थोड़ा करके स्टिक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत बातचीत हुई मेरी और शशांक की, उसके बाद उनका कहना था इसे सीधा सीधा लगा लेते हैं पहले वहाँ पे, थोड़ा सा कट करके बाद में स्टिक कर देंगे, और मैं बोल रही थी थोड़ा सा कट मार लेते हैं और लगा देते हैं। तो ऐसे मैं फिर उन्हें कट मारा हम लोग ने और फिर लगाया और फिर बाद में आखिरकार गड़बड़ हो गई और शशांक जो है वो गुस्सा होकर चले गए क्योंकि उन्हें परफेक्ट चाहिए था
और बिगड़ गया था। फिर उसके बाद मैंने अकेले लगाया और लगा लिया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है पर मैंने लगा लिया। सो गाइस, वॉलपेपर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है, और मुझे काफ़ी टाइम से मन था यहाँ पे वॉलपेपर लगाने का, क्योंकि यहाँ पे ना मार्वल है और अभी हमें ग्रेनाइट वगैरह कुछ यहाँ पे लगवाना नहीं है। तो आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ जो अभी हमने मतलब ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सारा ये वाला एरिया हमने किया है ऑर्गेनाइज़। तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और ये जो प्लेटफॉर्म पे हमने वॉलपेपर लगाया ना, यहाँ पे भी मैं ड्रायर मार रही हूँ एंड इसे क्या है अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और आपको ना दिखाऊंगी अभी, चाय वगैरह यदि गिर जाती है तो उसे आप आसानी से क्लीन कर सकते हो। तो मैं अभी थोड़ी सी चाय गिरा के दिखाने वाली हूँ आपको को। सो गाइस, कैसा लगा आपको फाइनल लुक कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।